कैसे हैं भाई अदनान भैया? ये आ गए, आई एम मोहसिन। मोहसिन हाउ आर यू? मोहसिन दिस इज दैट्स मोहसिन। व्हाट इज की लाइट? कौन सी बाकी लाइट है? एक रिंग लाइट, आईफोन, एक बड़ी लाइट है मेरे पास, वो बैटरी पे ही है। कौन सी बैटरी? ये बैटरी पे है, वो भी बैटरी पे है। यहाँ से हमारा सफर शुरू हुआ और हम लोग अभी जा रहे हैं खाना खाने क्योंकि भूख लगी हुई है बहुत शदीद। तो अभी हम यहाँ से खाना खाएंगे और पार्सल रात के लिए जो हमने वो ऑलरेडी करवाया हुआ था तो वो बस पिक करेंगे और निकलेंगे। ये रहा ना, खाना खाना है अभी तो क्या करना है, मतलब खाना खाना ही था, मतलब क्या बातें हो रही थी? मैं तो सिर्फ खाना खाने ही आया और क्या, कोई इंटेंशन नहीं है। मैं इतनी देर से यही परेशान हो रहा हूँ यार, लेट हो रहा है, खाना खाना है बस। मैंने तो मैं कहा अगर आप मेरे दिल की कोई सुनो ना तो खाना खाते हैं, साथ ही स्मोकर हो तो चलो, 3-4 घंटे वहाँ पे स्पेंड करते हैं यार। ये भी ठीक है वैसे, हाँ, और फ्राइडे हमारा एंजॉय हो जाएगा। ये भी बिल्कुल ठीक बात है। तो चलें भाई खाने के लिए निकलते हैं पहले। अच्छा, तो गाइज हम लोग खाना खाने जा रहे हैं। ओफो, मोहसिन साहब 360 लाए, टक्कर पे आ रहे हैं भाई यार। वैसे मुझे से। वैसे मुझे इसका जो है ना रिजल्ट चेक करना है, सेफ रहेगा। मैं आपको एक दो वीडियो से पक्का बताऊंगा भाई, 360 गेम होने वाली है। बाय द वे जो रेस्टोरेंट है ये काफ़ी अच्छा है, इनका फूड बहुत अच्छा है, इन्वायरमेंट इतना ख़ास नहीं है और मैनेजमेंट भी नहीं है अभी इतनी, लेकिन फूड इज़ अमेजिंग। तो जितने भी एशियंस हैं यहाँ पे और दे लव बिरयानी एंड देसी फूड तो दे मस्ट ट्राई दिस रेस्टोरेंट। तो भाई खाना हो गया हमारा डन और अब हम निकल रहे हैं अपनी जाने में मंजिल, पर खाना बहुत मज़े का था। खाना दिखाया नहीं आप? खाना आपने दिखाना था ना खाना, क्यों नहीं दिखाया? हम तो नहीं दिखाते, बहुत मज़े का खाना था। लेकिन अभी हम बस निकलेंगे फुजैरा के लिए और वहाँ जाते जाते रास्ते में से कुछ चीज़ें लेनी है मजीद, तो वो लेते हुए फिर मिलेंगे अपनी लोकेशन पे। जी भाई, किसी और को कुछ चाहिए? भाई बाद में बोलेगा, मेरे लिए नहीं लेके आया। अभी पेट्रोल पंप पे रुक रहे हैं, पेट्रोल पंप भाई जल्दी ले आना। हो गया मोहसिन साहब, ले आए आप सारी चीजें? यस, थैंक यू सो मच यार। अरे थैंक यू। अरे ये वाला ले आए तुम? ना ठंड पड़ेगी ना आपको। बेहतरीन हो गया, बेहतरीन हो गया। और सफ़र की शुरुआत इस तरह से हो रही थी कि एक हमारा जो दोस्त है वो उसकी विकेट गिर चुकी थी। बशीर है। और यहाँ हम फाइनली जो है हाईवे पे चढ़े क्योंकि उससे पहले इतनी जगह रुके, इतनी चीज़ें करनी थी, हमें लग रहा था कि भाई पता नहीं किस टाइम पहुँचेंगे। वैसे हम लेट हो गए थे अपने शेड्यूल से थोड़ा सा, एक घंटा। और यहाँ हम रुके कि हमने तो खाना खा लिया था, हमारा पेट भरा हुआ था, हमारी गाड़ी का भी होना चाहिए। तो गाड़ी का पेट भरा आया, चाय वाय लेनी थी वो मिली नहीं, फिर हम अपने सफ़र पे। और ये था फाइनली नॉन स्टॉप वे टू फुजैरा। एक जैसे हो भाई आम चार, ये बड़ा, ये वाला बड़ा, ये वाला डालो। सही है यार, सही है, डालो भाई, मजाक कर रहा था। ये कौन खाएगा अब यार, पांचवे पे लड़ाई होगी पता है, हम चार बंदे हैं। ए चारों से जो तीनों जो भी अच्छा प्यार करते हैं उसको देना है। कोई किसी से प्यार नहीं करता। Call it spring, like everything is new. The sunburst flowers calling on warm days overdue. But I call like everything.
मोहसिन साहब, आपको कोई डर आपकी जिंदगी में क्या ऐसा? नहीं, अभी तो दिल कर रहा है ये पहाड़ के ऊपर चढ़ने को मेरा, है ना? हाँ। यार मेरा भी मूड हुआ है कि कहीं ऐसे रुकी, ऐसा है तो खतरनाक बहुत। इसके लिए आपको कम से कम वो होनी चाहिए ये चढ़ने वाले पहाड़ नहीं है, इस तरह प्रॉपर आप मजे से जा रहे थे बातें बातें करते हुए, हमें पता ही नहीं था कि आगे एक एडवेंचर हमारा वेट कर रहा है, और वो ये था। तो यहाँ हमें लग रहा था इस मोमेंट पे कि यार अब गाड़ी गई, और फिल्मों में होता है ना जैसे एकदम फ्रीज हो जाते हैं, ऐसे मोमेंट पे हम बिल्कुल वैसे हो गए थे। और कामी की तरफ से तो वो काफ़ी ज़्यादा उठ गई थी गाड़ी, हवा में थी ऑलमोस्ट आधी। फिर वो खैर उसने बड़ी पेशेंटली उस चीज़ को हैंडल किया, क्योंकि बिल्कुल झूल रही थी गाड़ी और हमारी हल्की सी भी मूवमेंट जो थी ना वो उसको बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस कर रही थी। और मुझे सिर्फ यही कंसर्न था कि यार ये नीचे गिर ना जाए, मतलब पलट ना जाए, तो नुकसान गाड़ी का ज़्यादा होना था, हमारा तो खैर इतना नहीं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दोस्त जो है ना वो चीता हो गया इन सारी चीज़ों में, तो उसने बड़े स्मूथली इसको निकाल दिया। बहुत अच्छे यार, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही एक्सपीरियंस बात की है उन्होंने कि सांप का डसा जो है ना पानी भी नहीं मांगी होगा। तो ध्यान से मोहसिन साहब, ये जो आप इधर उधर घुसेड़ है ना चीज़ें, ये देखो ये सांपों ने मोरी नहीं है यार, ये इतनी बड़ी बड़ी है, ये तो हो सकता है अंदर हो सांप भाई, नो डाउट यार, ये नेवलों की भी हो सकती है। सही, अच्छी वो फिर वैसे इधर वीकली है ना, मेरा कैमरा गिर गया होगा। कामी रुकना जरा, रुक जा भाई, दिल दीवाने पूछूं तो मैं जरा, लड़की है बस। स्पॉट फाइनली हम लोगों ने चूज़ किया, और मेरे पीछे हम लोगों ने अपना सेटअप लगाया जहाँ पे हम सेटिंग करेंगे अभी, और वो दो पीछे बॉयज़ हैं वो ड्रोन को कुछ जो है उसका ऑपरेट करने में लगे हैं, और वो कुछ ना कुछ करके आ जाएंगे मुझे यकीन है। यार शहजादा है यार ये लड़का, यार देखो पूरी सेटिंग करके रखी है इसने ये। मोहसिन साहब चले फिर ऊपर पहाड़ों पे, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम, मुझे ऐसी आवाजें आ रही हैं वहां से ना, क्या हाँ मुझे वहां से फीलिंग आ रही है कि तुम चले आओ पहाड़ों की कसम। यार नेट पे नहीं हूं मैं इस टाइम। ओके मैं हूं। हाँ यार वो चला दे यार एक दफा, ये गाना होना चाहिए यहाँ पे, तो बस गाना लग रहा है और मैं जाने वाला हूँ वो पहाड़ पे ऊपर, है तो बड़े खतरनाक।
और मैं शूज़ भी सच नहीं पहन गया क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं फुजैरा वाली व्लॉग में जब मैं शूज़ वो पहन के आया था अपने किक्स तो वो ख़राब हो गए थे क्योंकि मेरी हरकत ही ऐसी थी वो बर्दाश्त नहीं कर सके। तो मैं जो हूँ सिंपल क्रॉक्स पहन के आया था अपने, ईजी गोइंग होते हैं। और अभी जो है ना मुझे चुल हो रही है कि मैं जाऊँ वो ऊपर पहाड़ है चुल, वो क्या होती है वो लड़की ब्यूटीफुल कर गई चुल। तो भाई आ जाएं, पीछे से दोस्त कह रहे हैं कि भाई पथरीले हैं, ख्याल रखना क्रॉक्स पहने में गिरोगे। और सही कंसर्न है क्योंकि मुझे यहाँ पे आके एकदम कीड़ा काटा है कि जाऊं। लास्ट टाइम भी था बहुत ज़्यादा मूड लेकिन तब भी नहीं जा सका था। तो अभी एक्सप्लोर करते हैं और मुझे काफ़ी अजीब अजीब सी चीज़ें लास्ट टाइम तो दिखी थी लेकिन देखा ऊपर चढ़ना, ये तो चढ़ने की जगह भी नहीं है। ये यार यही तो मज़ा आएगा। नहीं उधर चढ़ने के लिए जगह नहीं है ना, इधर देखिए सामने। हाँ यहाँ से चढ़ते हैं लेकिन एक्सप्लोर करेंगे तो मज़ा आएगा। नीचे आने का ही तो है, या अल्लाह तेरी मदद। अल्लाहू अकबर, ओ वाओ, लुक एट द सीन गाइस। सो ये वो मोमेंट है जहां मैं सब कुछ भूल चुका था कि क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं इसके और उतरना किस तरह से होगा। बट बीइंग ओरोफाइल मुझे वो व्यू और वो थ्रिल इतना फैसिनेट कर रहा था कि मैं सब कुछ भूला हुआ था। और फिर जब नीचे उतरने की बारी आई तब रियलाइज होना शुरू हुआ। यहीं पे जाने का मजा है, जिंदगी है ऐसी जीनी है। आई एम पेंटिंग टू मच। कंसर्न ये तो बच गया। मेरे दोस्त लोग मुझे इतने छोटे नजर आ रहे हैं वहां पे वो एग्जैक्ट पॉइंट पे। तो यहाँ से व्यू देखिए। मोहसिन साहब क्या रिपोर्ट है? तो बस चले फिर क्योंकि हमने ऐसा टॉप पे तो आ ही गए ऑलमोस्ट। आई थिंक 150 meters है मज़ीद ऊपर क्लाइंबिंग और हमने टॉप पे आ जाना है। और अभी सीन ये है कि अंधेरा भी होता जा रहा है तो वापस नीचे चलते हैं। वो जो एक शौक था एक थ्रिल का वो पूरा हो गया। आवाज़ें देख रहे हैं कैसी आ रही हैं पत्थर गिरने की। और मुझे यहाँ से खड़ो के जो व्यू मिल रहा है ना इस वक्त कह रहे फोटो ले लो फोटो। तो यहाँ से खड़ो के जो मुझे एक व्यू मिल रहा है ये बहुत अमेजिंग है। एक डेप्थ सी क्रिएट हो रही है इस जगह पे। और ये फुल माउंटेन सी एज यू कैन सी। ये बहुत अमेजिंग फीलिंग है मुझे, मतलब बीइंग ओरोफाइल मुझे मतलब ये चीज़ से मतलब मोहब्बत है, प्यार है। आजा आजा। तो मैं इस वक्त जो है ना थोड़ी देर के लिए रिकॉर्डिंग यहाँ रोक के सिर्फ इस मोमेंट को एंजॉय करूँगा फिर उसके बाद मिलता हूँ। बहुत मज़ा आता है वो लाइफ में वो चीज़ होना बहुत ज़रूरी है और मैं उस चीज़ों को ना मिस करना नहीं चाहता। चलो आ जाओ अभी नीचे आ जाओ ना। अब मैं खुद ये सोच रहा हूँ मैं नीचे कैसे हूँ। अच्छा भाई अब है मरहला मुश्किल वाला थोड़ा सा ये तो
असल में नीचे उतरने में क्या होता है ना कि एक भी अगर आपको डिसबैलेंस और स्लिपरी पत्थर मिल गया तो उसके चक्कर में आपका बैलेंस आउट होता है। आउच, कुछ चुभ गया। यहाँ से उतर तो उसमें क्या होता है, उस चक्कर में ना आप भी स्लिप हो जाते हैं, तो वो भी बड़ा ध्यान रखना है। ओ यार, वो तो निकल गया। मैंने लिया खतरनाक रास्ता क्योंकि मुझे उतरने में भी थ्रिल चाहिए। एडवेंचर के चक्कर में ही तो बाबू, नहीं नहीं स्लिप होने के आने के चक्कर में ही ना, मैं स्लिप हुआ तो अपने आप को सिक्योर कर रहा था मैं, और मुझे रास्ता मिल गया। कुछ नहीं होना, कुछ नहीं होना, क्योंकि कल फिर मुझे रासुल खैमा जाना है, शूट है अर्ली मॉर्निंग, तो मैं नहीं चाह रहा मैं मुझे चोट लगे या कुछ हो। स्टिल अभी काफ़ी नीचे तक जाना है। हाँ सही हूँ, ओके अब मैं उतरूँगा तेज तेज। गिर गया, नहीं नहीं तो मुझे लगा कि स्मूथ हो गया, लेकिन वही ओवर कॉन्फिडेंट, और आपको कुछ आइडिया नहीं है कौन सा पत्थर आपको किस डायरेक्शन में लेके जाएगा, तो स्लो एंड स्टडी बन द रेस। यार मैराथन है रेस नहीं, समझा पा। राइम में एडवाइस दे रहा, लाइफ चेंजिंग, डिग्री नहीं थी, डेडिकेशन से लाइफ चेंज हुई। सो खैर, ये यंग स्टर्नर्स का ट्रैक है, ऑल दो बड़ा अच्छा लगता है मुझे, तो दिस इज फॉर यू गाइस, यू गाइस डूइंग अमेजिंग। और यो हो गया, नी कैप में फिर से लगा ली, लेकिन मजा आ गया। तो वहां पे भाई, और एक तो माइलस्टोन अचीव हो गया। अब हम भी यहां पे चल करेंगे। यहाँ शुरू हुआ मेरा चिल टाइम, हमारा चिल टाइम, और यहाँ बैठ के बस हमने बातें की, पुरानी बातें निकल आईं। तो जब पुरानी बातें निकल आती है ना चार गैदरिंग में, तो फिर उसका मज़ा ही कुछ और हो जाता है, वो मतलब सीन ही कुछ और हो जाता है। अरे ये तो वहां देखी थी हमने काफी अंदर। जितनी मुझे तड़प थी ना कि एक अच्छी चाय, स्ट्रॉन्ग चाय होनी चाहिए आफ्टर अ लॉन्ग डे, तो ये जो थी ना मेरी जिंदगी की वर्स्ट चाय थी। और मैंने और मेरे दोस्त ने, हम लोग ने
मजबूरन गाड़ी रोक के इसको फेंकना पड़ा, मतलब बर्दाश्त से बाहर थी। खैर दिन बहुत अच्छा था, काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी हमने एंजॉय किया, बातें हुई, शुगर लगा, डिनर किया, बिरयानी थी बहुत अमेजिंग। और ये हम आ गए दोस्तों को ड्रॉप करने, यहाँ पे इनको ड्रॉप किया, सी ऑफ करेंगे और उसके बाद हम अपने घर। सो ये थी कहानी पूरी इस ट्रिप की और हाउ वी स्पेंड अ डे इन माउंटेन्स। एंड डू कम इन एंड शेयर योर एक्सपीरियंस एज वेल कि आप लोगों की दोस्तों के साथ किस तरह की गैदरिंगें रही हैं और किस तरह के ट्रिप रहे हैं और क्या एंजॉय किए। आई लव टू हेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड फॉलो माई इंस्टाग्राम एज वेल।